दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स. अब देखिए गिवन क्या है. इफ़ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी एट प्रेजेंट इज दिस मच, 6 ईयर अर्लियर द रेशियो विल बिकम दिस मच, व्हाट विल बी द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी. ठीक है बच्चों, देखिए ए रेशियो बी मुझे जो गिवन है वो 2:1 गिवन है, और ये जो है प्रेजेंट एज है बच्चों. नेक्स्ट इज 6 ईयर अर्लियर, अर्लियर मीन्स पास्ट की एज. जो पास्ट की जो एज बच्चों गिवन है वो मुझे 3:1 गिवन है, और ये गैप जो है 6 ईयर का है, ये वाला जो गैप है बच्चों वो 6 ईयर्स का है. ठीक है जी, तो ये वाला गैप देखो बच्चों, ये 0 है, ये वाला गैप 1 है. मुझे ये सेम बनाना पड़ेगा. सेम बनाने का वे मैं आपको पहले करा चुका हूँ, वो है बैलेंसिंग फॉर्म. अब बैलेंसिंग फॉर्म क्या कहती है कि ये वाला गैप 2 बना, ये वाला गैप जो है 1 बना, तो ये वाला 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है. 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 रेशो. अब बच्चों ये 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है. 1 इंटू 3 3 बना, 1 इंटू 1 आपका 1 बना. ठीक है जी, ये अपनी अब ए है, ये बी है, ये गैप 1 है, ये गैप जो है 1 है. तो 1 यूनिट इज इक्वल टू मुझे 6 ईयर का जो है गैप गिवन है, दैट मीन्स इट विल बी 12 और इट विल बी 24. तो मुझे पूछा है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज बच्चों, तो ये प्रेजेंट थी मेरी और ये वाली पास्ट की एज थी मेरी. सम ऑफ प्रेजेंट एज विल बिकम 36 ईयर, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बनता है यहाँ पे नन ऑफ दिस.